Hello students, let's continue reading this chapter from where we have left adaptation in animals, fourth chapter of science. We have already studied about the animals, adaptation in animals based on habitat. Animals ko alag alag category mein divide kiya gaya hai, unke rehne ki jagah ke aadhar pe. In terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, arboreal animals and aerial animals. We have studied in first part of this video. In this part, today's video, we will study about adaptation in animals based on feeding habit. जानवरों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ग्रुप्स में डाला गया है उनके खाने की आदतों के आधार पर, उनके खाने की जो हैबिट है, उनके खाने की जो आदतें हैं उनके आधार पे, उनके बेसिस पे इनको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज. एनिमल्स ईट प्लांट्स और अदर एनिमल्स. जो जानवर होते हैं या तो वो पेड़ पौधे खाते हैं या तो दूसरी जानवरों को खाते हैं. बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट्स एनिमल कैन बी ग्रुप्ड एज अंडर. अपने खाने की आदतों के आधार पर, अपने खाने की आदतों के बेसिस पे इन्हें कुछ ग्रुप्स में, कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. लाइक हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, ओमनीवोर्स एंड पैरासाइट्स. फर्स्ट इज हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स. हर्बीवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं. वो पेड़ पौधे खाते हैं. जो जानवर पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हर्बीवोर्स एनिमल कहते हैं. क्या काउ, बफलो, हॉर्स, डंकी, डियर, गोट, जिराफ आर हर्बीवोर्स एनिमल्स. कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, काउ, गाय, बफलो, भैंस, घोड़ा, गधा, हिरन, बकरी, जिराफ, ये सारे क्या है? हर्बीवोर्स एनिमल है. मतलब ये सारे क्या है? वेजिटेरियन है. ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स खाते हैं. दे हैव शार्प कटिंग टीथ एट द फ्रंट एंड फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ एट द बैक. इनके जो आगे के दांत होते हैं, फ्रंट टीथ जो होते हैं, वो क्या होते हैं? शार्प कटिंग टीथ होते हैं. क्योंकि ये घास को, पेड़ पौधे, पत्तों को काटते हैं, इसलिए इनके फ्रंट टीथ जो होते हैं वो बड़े शार्प होते हैं, धारदार होते हैं. और इनके जो बैक टीथ होते हैं, बैक टीथ कैसे होते हैं? फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं, चिपटे चबाने वाले टीथ होते हैं. मैनी हर्बीवोर्स एनिमल्स हैव हार्ड हूव्स बिकॉज दे हैव टू वॉक अ लॉट टू फाइंड फूड. ज़्यादातर जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं, शाकाहारी जानवर जो होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, उनके जो हूव्स होते हैं, खूंड, जो इनके पाँव के नीचे चलने के लिए इनके जो हूव्स होते हैं, वो बहुत ही हार्ड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, क्योंकि इन्हें बहुत चलना होता है अपना खाना ढूंढने के लिए. हूव्स क्या होते हैं? हूव्स ये जो खूंड होते हैं इनके पैर के नीचे, आप देख सकते हैं ये ब्लैक पोर्शन, जिनसे ये चलते हैं, जिनको आप इनकी फीट कह सकते हैं. ओके, ये क्या होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं, बहुत ही कठोर होते हैं, क्योंकि इन्हें काफ़ी दूर चलना होता है अपना खाना ढूंढने के लिए. नेक्स्ट कैटेगरी इज कार्निवोर्स. कार्निवोर्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. कार्निवोर्स एनिमल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो दूसरे जानवरों का फ्लैश खाते हैं, दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं जिंदा रहने के लिए. लायन, टाइगर, फॉक्स, ईगल एक्सेट्रा आर कार्निवोर्स. कुछ कार्निवोर्स एनिमल्स हैं कौन कौन से? लायन, शेर, बाघ, भेड़िया और ईगल. आपके ईगल, वल्चर, बाज, चील, ये सारे जो बर्ड्स हैं ये भी क्या है? कार्निवोर्स हैं. ये भी फ्लैश खाते हैं. दे हैव लॉन्ग शार्प टीथ. इनके बहुत ही नुकीले दांत होते हैं, लंबे नुकीले दांत होते हैं. और बीक्स टू टीयर फ्लैश, या फिर जो बर्ड्स हैं उनकी चोंच बड़ी लंबी, तीखी, नुकीली चोंच होती है.
फ्लैश को मांस को फाड़ने चीरने के लिए. सम कार्निवोर्स नीड टू रन वेरी फास्ट. कुछ कार्निवोर्स जानवर जो होते हैं, एनिमल्स जो होते हैं, वो काफी तेज दौड़ते हैं टू कैच देयर प्रे, अपने शिकार को पकड़ने के लिए. क्योंकि इन्हें शिकार को पकड़ना होता है इसीलिए ये काफी तेज दौड़ते हैं. सो दे हैव वेरी स्ट्रांग लेग्स, इसलिए इनके पाँव बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं. बर्ड्स ऑफ प्रे हैव शार्प आईज टू स्पॉट देयर प्रे. और जो चिड़िया होती हैं जो कि शिकार करती हैं, उनकी आंखें जो होती हैं वो बहुत शार्प होती है, बहुत तेज रोशनी होती है, बहुत साफ दिखता है इनका. बहुत दूर से, बहुत ऊंचाई से ये अपने शिकार को देख लेती हैं ताकि ये इन्हें पकड़ सकें. कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स हमने पढ़ लिया, अब हम ओमनीवोर्स के बारे में पढ़ते हैं. ओमनीवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ओमनीवोर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दोनों ही चीजें खाते हैं. वो पेड़ पौधे भी खाते हैं और जानवरों को भी खाते हैं. बियर, क्रो, कॉकरोच आर ओमनीवोर्स. जो कुछ जानवर और कीड़े हैं आपके जो ओमनीवोर्स हैं, उनके एग्जाम्पल दिए आपको क्या क्या, बियर, आपका भालू, कौआ और कॉकरोचेस, ये क्या है आपके ओमनीवोर्स हैं. ह्यूमंस आर आल्सो ओमनीवोर्स, इंसान भी क्या है ओमनीवोर्स हैं, मतलब वो खा दोनों चीज सकते हैं, प्लांट्स भी खा सकते हैं और मांस भी खा सकते हैं, फ्लैश भी खा सकते हैं, बट उनकी अपनी चॉइस है कि वो खाना चाहते हैं या नहीं. दे आर नॉट स्पेसिफिकली अडाप्टेड टू ईट एंड डाइजेस्ट आइदर प्लांट्स और एनिमल्स. ऐसा कुछ इनमें नहीं होता कि ये या सिर्फ पेड़ पौधे खा सके या सिर्फ एनिमल्स खा सके, ये दोनों ही खाने के लिए खुद को ढाल के रखा है इन लोगों ने. दे आर एबल टू डाइजेस्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड मटेरियल्स. ये दोनों ही चीजों को पचा सकते हैं आराम से, पेड़ पौधे से बनी चीजों को भी, प्लांट्स को भी और फ्लैश को भी, एनिमल फूड मटेरियल्स को भी. Squirrel are some squirrel and some birds that feed only on nuts and seeds are called granivores. कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो कि सिर्फ बीज या nuts खाते हैं, उनको क्या कहते हैं, granivores कहते हैं, क्योंकि वो सिर्फ grains खा पाते हैं, सिर्फ अनाज खा पाते हैं, मतलब सिर्फ बीज खा पाते हैं. वो क्या है, squirrels या फिर कुछ चिड़ियां भी ऐसी हैं जो कि सिर्फ बीज या नट्स खा पाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ग्रेनीवोर्स. नेक्स्ट इज पैरासाइट. पैरासाइट्स लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स. पैरासाइट्स क्या होते हैं, ऐसे जीव जंतु जो कि या तो किसी दूसरे जीव के ऊपर, किसी दूसरे जिंदा जीव के ऊपर रहते हैं और उनकी बॉडी से खाना लेते हैं, या फिर उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनकी बॉडी से खाना लेते हैं एंड ऑब्टेन फूड. मॉस्कीटोज, मॉस्कीटोज क्या करते हैं, वो आपकी बॉडी पे बैठते हैं, आपके खून को सक करते हैं, मतलब वो आपकी बॉडी से खाना ले रहे हैं. बग्स, कीड़े जो आपको काटते हैं, लीच, जोंक, लीच जो आपके पैरों पे चिपक जाते हैं और ब्लड सक करते हैं. राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स जो कीड़े होते हैं जो आपके पेट में हो जाते हैं, या फिर आपके बाल में रहने वाले जू जो होते हैं, लाइस, दे आर ऑल पैरासाइट्स. दीज एनिमल्स हैव स्ट्रॉ. इन जानवरों के पास क्या होता है, स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ, जैसे कि आप पाइप जिससे आप कुछ भी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स या जूस या कुछ भी, वैसे ही इनके पास भी क्या होता है, एक स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे ये आपके बॉडी से फूड को सक करते हैं. लाइक सकर्स, स्ट्रॉ जो कि सक करने के लिए यूज होता है, चूसने के लिए यूज होता है, किस चीज को खींचने के लिए यूज होता है, इन देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट एनिमल. ये जो सकड़ होता है, जो इनके पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी में, इनके मुंह में,
जैसे आपकी मॉस्किटो के पास होता है, क्यों होता है ये स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर, कि ये होस्ट से, होस्ट किसे कहते हैं, वो जानवर या आदमी जिनकी बॉडी पे ये रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, होस्ट एनिमल कहते हैं, जिनसे इन्हें खाना मिलता है, उनकी बॉडी से ये खाना ले सकें उस स्ट्रॉ लाइक स्ट्रक्चर की मदद से। द टेप वॉर्म एंड राउंड वॉर्म्स लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बींग्स। टेप वॉर्म और राउंड वॉर्म जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो इंसान के इंटेस्टाइन में रहते हैं, इंसानों के पेट में रहते हैं, पेट के अंदर, जो हम कहते हैं कि पेट में क्या हो गए, कीड़े हो गए, तो ये क्या है, वो कीड़े, दे आर दोस टेप वॉर्म्स एंड राउंड वॉर्म्स। अडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन, अब कुछ जानवर जो हैं अपने आप को बचाने के लिए अडाप्ट कर लेते हैं चीजों से, मतलब अपने आप में कुछ ऐसा बदलाव ले आते हैं, उस एनवायरमेंट में खुद को ढाल लेते हैं। एनिमल्स हैव डिफरेंट फीचर्स एज अडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम द एनिमल्स एंड एनिमीज। हर जानवर में कुछ अलग तरह के फीचर्स होते हैं जो कि इनको, इनके जो चारों तरफ रहने वाले दुश्मन जानवर हैं उनसे बचाने में काम आते हैं। इन सम एनिमल्स लाइक ग्रास हॉपर एंड गार्डन लीजर द कलर और पैटर्न ऑफ स्किन इज सेम एज दैट ऑफ देयर सराउंडिंग। जैसे कि आप ग्रास हॉपर को देख सकते हैं या फिर गार्डन लीजर्ड, आपकी जो गिरगिट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्किन के कलर को चेंज करते हैं अपने एनवायरमेंट के हिसाब से, मतलब उनके अगल बगल का वातावरण जिस रंग का है वो अपने आप को उस रंग का बना लेते हैं, अपने स्किन को चेंज कर लेते हैं, अपने स्किन के कलर को और पैटर्न को चेंज कर लेते हैं और वैसा ही दिखने लगते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना पाए, वो छुप सके एनवायरमेंट में। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्पॉट दीज एनिमल्स ईजली एज द स्किन कलर ब्लेंड्स विद देयर सराउंडिंग। इसीलिए इन्हें ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि इनकी जो स्किन की कलर होती है वो मिल जाती है इनके वातावरण से, अगल बगल के वातावरण से। अगर एक ग्रास हॉपर घास के ऊपर बैठा है तो घास भी ग्रीन है और ग्रास हॉपर भी ग्रीन है, तो क्या होता है वो आपको आसानी से दिखाई नहीं देता, बहुत ध्यान से देखने पे दिखाई देता है। या फिर आप देख सकते हैं जो आपके कैटरपिलर्स होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, वो पत्ते को खा रहे होते हैं, वो पत्तों के ऊपर, पेड़ों के ऊपर होते हैं, मगर आपको पता भी नहीं होता कि वो उस पेड़ों के ऊपर हैं क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देते क्योंकि उन्होंने अपने कलर को क्या कर लिया, वैसा ही ग्रीन कर लिया है। या फिर आपके जो गार्डन लीजर्ड हैं वो अपने स्किन को ब्राउन कलर का चेंज कर लेते हैं, तो क्या होता है वो अगर किसी पेड़ के ऊपर है, वुडी पोर्शन पे हैं, तो वो वुड कलर के लगते हैं और किसी को वो दिखाई नहीं देते। या फिर वो अपने आप को चेंज करके कभी ग्रीन कभी रेड ऐसा भी कर लेते हैं। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड कैमोफ्लेज। ये फेनोमेनन क्या कहलाता है, कैमोफ्लेज कहते हैं इस इनकी आदतों को, ये जिस तरह से खुद को बदलते हैं, इनकी खुद को छुपाने की जो इनकी आदत है उसे क्या कहते हैं, तरीका है इनका, उसे कैमोफ्लेज कहते हैं। कैमोफ्लेज हेल्प्स द एनिमल टू हाइड फ्रॉम इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे। ये कैमोफ्लेज क्या करता है, इनको छुपने में मदद करता है इन जानवरों को इनके प्रीडेटर्स से, ऐसे जानवरों से जो इन्हें खा जाते हैं, एंड प्रे और इनके शिकार से भी, जिन्हें ये खाते हैं उनसे भी छुपने में मदद करता है और इन्हें जो खाते हैं उनसे छिपने भी मदद करता है। ओके, द ईस्टर्न मसासोगा रैटल स्नेक हैज अ ग्रेश ब्राउन बॉडी विथ 25-50 डार्क स्पॉट्स ऑन इट्स बैक विच प्रोवाइड ग्रेट कैमोफ्लेज। जो सांप है आपका रैटल स्नेक, जो ईस्टर्न पार्ट में अर्थ के पाया जाता है, उसकी जो बॉडी होती है ग्रेश ब्राउन कलर की होती है और इनकी बॉडी पे 20-25 स्पॉट्स होते हैं, काले ब्लैक धब्बे होते हैं जो कि इनको छुपने में काफी मदद करते हैं। नेक्स्ट इज A polar bear is all white and cannot be easily spotted in the snow. जो polar bear होता है वो क्या होता है, वो ठंडी जगहों पे, बर्फ वाली जगहों पे रहता है, तो ये जो polar bear होता है वो white कलर का होता है और आसानी से ये उस बर्फ के ढेर में
नहीं दिख पाता, आराम से खुद को छुपा कर रखता है और शिकार करता है। जेब्रा, टाइगर एंड लियोपर्ड्स हैव स्ट्राइप्स ऑन और स्पॉट्स विच हेल्प देम कैमोफ्लेज विद देयर सराउंडिंग इन फॉरेस्ट। जेब्रा, टाइगर और लियोपार्ड के ऊपर क्या होते हैं, स्ट्राइप्स या स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं या धाड़ियां होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं जेब्रा में होती हैं। ये इनको छुपने में मदद करती हैं जंगलों में। ओके, ये आसानी से जंगलों में ब्लेंड हो जाता है, इनका कलर मिल जाता है और इन्हें छुपने में मदद मिलती है ताकि ये छुपकर आराम से शिकार कर सकें। अ चमेलियन चेंजेस बॉडी कलर अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग। एक चमेलियन जो होता है वो क्या करता है, अपने बॉडी कलर को, कमेलियन चमेलियन जो भी आपको हो इसको, ये अपने बॉडी कलर को चेंज करता है अपने सराउंडिंग के हिसाब से, अपने वातावरण के हिसाब से, अपने अगल बगल के हिसाब से ये अपने बॉडी कलर को या तो कभी ब्राउन कर लेता है, अगर ये वुडन पार्ट पे बैठा हो, अगर लीव्स के बीच में हो तो ग्रीन कर लेता है, तो ये अपने बॉडी कलर को चेंज करता है अपने हिसाब से। दिस प्रोटेक्ट द चमेलियन फ्रॉम इट्स एनिमी, ये इसके इसको इसके दुश्मनों से बचाता है, ये जो कलर चेंज करके खुद को अपने एनिमीज से प्रोटेक्ट करता है। And also help it catch insect without being noticed. और आराम से ये अपने insects को, अपने खाने को भी पकड़ पाते हैं बिना उनकी नजरों में आए, उनसे छुप कर रह सकते हैं ये। A stick insect, आप ये stick insect देख रहे हैं, ये बिल्कुल stick की तरह दिखता है, looks like a twig, ये एक तिनके की तरह दिखता है on trees or shrubs. When it is resting, इट हैज़ द सेम कलर, जब ये किसी पेड़ या झाड़ी के ऊपर आराम कर रहा होता है तो इसे ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि ये बिल्कुल ही उस तिनके या उस झाड़ी की तरह दिखता है। शेप एंड पोजिशन एज अ ट्विग, और ये अपने शेप को और इसके पोजिशन को बिल्कुल ही एक तिनके की तरह, ये दिखने में ही एक तिनके की तरह है, तो आराम से उसमें घुल मिल जाता है, ब्लेंड हो जाता है environment में। Animals like crabs, snail, tortoise, etc. have shell to protect their soft bodies. अब कुछ ऐसे जानवर है जिनको भगवान ने शेल दे के रखा है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइक टर्टोइज, स्नेल्स, ये क्या करते हैं, अपने दुश्मनों को देख के, अपने एनिमीज को देखकर अपने शेल के अंदर चले जाते हैं, अपने बॉडी के सॉफ्ट पोर्शन को अपने बॉडी के हार्ड पोर्शन के अंदर छुपा लेते हैं। इनके जो शेल होते हैं, इनके बॉडी के जो सॉफ्ट पोर्शंस होते हैं, इसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, पॉर्क्यूपाइन, अब पॉर्क्यूपाइन की बात करते हैं। पॉर्क्यूपाइन हैव स्पाइंस टू डिफेंड देमसेल्फ फ्रॉम देयर एनिमीज। ये पॉर्क्यूपाइन है, जिसे हम लोग हिंदी में साही भी कहते हैं, इसे इसके ऊपर क्या होता है, स्पाइन्स होते हैं, कांटे होते हैं, कांटे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इनके दुश्मनों से इन्हें बचाते हैं। सम पॉइजनस एनिमल्स लाइक स्नेक, लीजर्ड एंड स्कॉर्पियन हैव पॉइजनस वेनम टू किल देयर एनिमीज। अब कुछ ऐसे जानवर हैं जिनके पास जहर है, जैसे सांप, छिपकली और बिच्छू, इनके पास जहरीले वेनम्स हैं, पॉइजनस जहर हैं अपने एनिमीज को मारने के लिए, अपने दुश्मनों को मारने के लिए, सिर्फ दुश्मनों को मारने के लिए ही नहीं, अपने शिकार को मारने के लिए भी। ओके, नेक्स्ट इज रे फिश। रे फिश इज अ सी एनिमल। रे फिश कहां रहती है आपकी, समुद्र में रहती है, और ये बहुत ही खतरनाक मछली है। विच गिव्स इलेक्ट्रिक शॉक टू इट्स एनिमी, ये अपने एनिमी को क्या देती है, इलेक्ट्रिक शॉक देती है, और ये बहुत ही ज्यादा जोर का बिजली का झटका देती है ये, इससे बच पाना बिल्कुल ही मुश्किल है, नामुमकिन है। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक लायन, टाइगर एक्सेट्रा प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय रनिंग वेरी फास्ट। जो जमीन पर रहने वाले जानवर हैं वो अपने आप को तेज भागकर दुश्मनों से बचाते हैं। बर्ड्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय फ्लाइंग क्विकली, और चिड़ियां अपने आप को जल्दी से उड़कर बचाती हैं। स्मॉल फिशेस मूव्स इन ग्रुप सो दैट देयर ग्रुप लुक लाइक अ लार्ज फिश।
जो छोटी छोटी मछलियाँ होती हैं वो बड़े बड़े झुंड में तैरती हैं साथ में, ताकि ये बड़ी सी मछली दिखे. गिव ईच ऑफ देम प्रोटेक्शन, और एक दूसरे को, सबको ही सुरक्षा मिल सके. ओके सो इस तरह सारे जानवर क्या खाते हैं और किस तरह एक दूसरे को, खुद को बचाने के लिए इन्होंने खुद को ढाल रखा है अलग अलग एनवायरमेंट में, इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा. सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड. नाउ वी विल डिस्कस द एक्सरसाइजेस. वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. हाउ आर एनिमल्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट? हैबिटेट के आधार पर, रहने के तरीके के आधार पर जानवरों को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है? वी हैव स्टडीड दैट दे आर डिवाइडेड इन फाइव डिफरेंट कैटेगरीज, ग्रुप्ड इन फाइव डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट. बेस्ड ऑन द हैबिटेट एनिमल्स कैन बी ग्रुप्ड एज अंडर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वाटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस, आर्बोरियल एंड एरियल एनिमल्स. ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Why do some animals hibernate? कुछ जानवर जो हैं वो hibernate क्यों करते हैं? हमने पढ़ा था कि hibernate क्यों करते हैं वो. Some land animals like lizard and snake cannot tolerate cold, so they hide themselves in warm places and show very little activity. This is called hibernation. क्योंकि वो ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए वो हाइबरनेट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू एम्फीबियंस ब्रीद ऑन लैंड एंड इन वाटर? एम्फीबियंस किस तरह से सांस लेते हैं, जमीन पे भी और पानी में भी? एम्फीबियंस ब्रीथ थ्रू देयर स्किन इन वॉटर एंड थ्रू लंग्स वेन ऑन लैंड. जो एम्फीबियंस होते हैं वो अपनी चमड़ी से, अपने स्किन से, अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जब वो पानी में रहते हैं, और अपने लंग से, फेफड़ों से सांस लेते हैं जब वो जमीन पर रहते हैं. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू पोलर बियर सर्वाइव इन एक्सट्रीम कोल्ड? पोलर बियर किस तरह सर्वाइव करता है बहुत ठंडी जगहों पर? एनिमल्स लिविंग इन एक्सट्रीम कोल्ड एरिया सच एज पोलर बियर हैव थिक फर ऑन देयर बॉडीज. इनकी बॉडी पे बहुत ही थिक, बहुत ही मोटी फर होती है. द फर प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम चिलिंग कोल्ड क्लाइमेट, और ये फर इनको बहुत ठंडे मौसम से बचाती है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर पैरासाइट्स? पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स लिव ऑन or inside the body of other animal to obtain food. Parasite क्या होते हैं? ऐसे जानवर जो कि दूसरे जानवर के शरीर के ऊपर या उनके शरीर के अंदर रहते हैं और जिंदा रहते हैं. Short answer questions. Why is adaptation necessary? Adaptation क्यों जरूरी है? Adaptation की क्या जरूरत है? In the natural world, living things adapt or change themselves to suit their surrounding for survival. This change is called adaptation. Every animal needs a natural environment to survive. If the animals are taken away from its habitat or there is change in its habitat, it will not survive. So they need अडाप्टेशन, इसीलिए उन्हें अडाप्टेशन की जरूरत होती है. अगर वो अडाप्ट नहीं करेंगे एनवायरमेंट में तो क्या होगा? वो मर जाएंगे. व्हाट इज कैमोफ्लेज? गिव सम एग्जांपल. कैमोफ्लेज क्या है और कैमोफ्लेज के कुछ एग्जांपल्स देने हैं.
In some animals like grasshopper and garden lizard, the color and pattern of skin is same as their environment. This makes it difficult to spot these animals easily as their skin color blends with the surrounding. This phenomenon is called camouflage. Camouflage helps the animals to hide from its predators and prey. अब इसके कुछ examples देने हैं camouflage के. A polar bear example. For example, a polar bear is all white and cannot be easily spotted in snow. Zebra, tiger, and leopards have stripes on or spots which help them camouflage with their surrounding in forest. ये दो क्या है example हैं आपके camouflage के. Okay. Next, how is camel adapted to live in desert? Camel किस तरह से कैमल ने अपने आप को ढाल लिया है डेजर्ट में रहने के लिए. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक कैमल लिव इन डेजर्ट एरिया. दे कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर मेनी डेज. दे हैव हम्प्स ऑन देयर बैक विच स्टोर्स फैट. द फैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वाटर व्हेन नीडेड. दे ऑल्सो ड्रिंक कैन ऑल्सो ड्रिंक अबाउट 10 बकेट्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. दे हैव थिक स्किन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द हीट ऑफ द सन. The thick skin also prevent loss of water by evaporation. The feet of camel are padded so that they can walk comfortably in hot sand. They have long eyelashes that protect their eyes during sandstorm in the desert. Okay? Let's come to next question. Next question is, how does tiger have sharp teeth and strong legs? Tiger ke sharp teeth or strong लेग्स कैसे होते हैं. टाइगर इज अ कार्निवोर्स एनिमल. कार्निवोर्स ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. सम सो कार्निवोर्स एनिमल्स हैव टू कैच देयर प्रे. सो दे हैव टू रन वेरी फास्ट टू कैच देयर प्रे. सो दे हैव वेरी स्ट्रांग लेग्स एंड शार्प टीथ टू टियर flesh. Next question. Based on its habitat, what category does a monkey belong to? Why does it have long arms and tails? Monkey किस category से belong करता है और उसके लंबे हाथ और पूंछ क्यों होते हैं? Monkey belongs to arboreal animal. Monkey arboreal animal वाले category से belong करता है. Monkey have long arm and tail to climb and swing the branches on trees. Monkey के लंबे हाथ और पूछ होते हैं ताकि वो branches और trees पे चढ़ सके झूल सके. Okay? Fill in the blanks. Next is fill in the blanks. Animal living in cold desert have thick fur on their body. Dash is long winter sleep in animals. Hibernation. Hibernation is a long winter sleep in animals. Porcupine has spines to protect itself. काटे होते हैं उसके ऊपर. अ स्नेक हैज डार्स विच हेल्प इट मूव ऑन लैंड. स्केल्स. मंकी इज एन आर्बोरियल एनिमल. नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स. द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज इट्स अडेप्टेशन. No, the place where animal lives is its habitat. So this is false. Terrestrial animals have limbs to move. True. Unke paas limbs matlab paav, haath paav. Amphibians live on land as well as water. True. Aquatic animals breathe through gills only. No.
दे कैन ब्रीथ थ्रू स्किन ऑल्सो. हमने पढ़ा कि जो ऐसे एनिमल हैं जो कि जमीन और धरती दोनों पे रहते हैं, वो अपनी स्किन से भी ब्रीथ करते हैं और गिल से भी ब्रीथ करते हैं कुछ, और लंग से भी ब्रीथ करते हैं. सो दे कैन एक्वाटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड लंग्स बोथ. सो दिस इज फॉल्स. कैमल स्टोर वाटर इन इट्स हम. ट्रू. लीजर्ड्स एंड स्नेक हाइबरनेट ड्यूरिंग समर, नॉट समर, विंटर. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. नाउ मैच द कॉलम. टेरेस्ट्रियल, इनमें से कौन कौन से जानवर जो हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं ये बताना है आपको. ओके. मंकी, ट्री, फ्रॉग, बर्ड्स टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. लायन, एलिफेंट, रैबिट, एंट्स. पोलर, पोलर मतलब जो ठंडी जगहों पे रहते हैं, लाइक मस्क ऑक्स, सील, वॉलरस. एक्वाटिक जो कि पानी में रहते हैं, फिश, डॉल्फिन. आर्बोरियल, आर्बोरियल जो कि पानी और जमीन दोनों पे रहते हों. आर्बोरियल जो कि पेड़ों पे रहते हैं, लाइक मंकी, ट्री, फ्रॉग एंड. नाउ कैमफ्लेज जो कि अपने आप को चेंज करते, लाइक लियोपर्ड, टाइगर, जिन्होंने खुद को ढाल लिया अपनी स्किन को एनवायरमेंट के हिसाब से. कमेलियन, चमेलियन, leaf insects, C option. Now next is give two examples of, दो examples देने हैं आपको. Amphibians, amphibians क्या आते हैं, जो कि पानी और जमीन दोनों पे रहते हैं, like frog and crocodile. Parasites, लीच, टेपवॉर्म्स, हर्बीवोरस शाकाहारी, काव, गोट, डियर, कुछ भी लिख सकते हैं. एरियल जो कि उड़ते हैं हवा में. बैट, ये तो मैमल है, बैट जो उड़ता है. एंड बर्ड्स में किसी का भी नाम लिख दो आप, क्रो. ओके. नेक्स्ट, नेक्स्ट इज आर्बोरियल एनिमल. आर्बोरियल एनिमल जो कि पेड़ों पे रहते हैं, मंकी, एंड गार्डन लीजर्ड, कोआला बियर, सो यू कैन राइट मंकी एंड गार्डन लीजर्ड और कोआला बियर. एक्वाटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, फिश एंड क्रैब. कार्निवोरस फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, कार्निवोरस, लायन, टाइगर. नेक्स्ट इज कैमोफ्लेज एनिमल जो कि खुद को छिपा लेते हैं, गार्डन लीजर्ड. एंड टाइगर. नेक्स्ट इज पजल एंड क्विज. राइट वन वर्ड, वन वर्ड लिखना है आपको. टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीद विथ दीज लंग्स. लंग्स से सांस लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. टू ब्लेंड विथ द सराउंडिंग, कैमोफ्लेज.
animals that fly, aerial. Animals that spend a lot of time on trees, arboreal. Aquatic animals breathe with these gills. Animals that can live both on land and in water. Amphibians. Animals that live on land, terrestrial. Animals that live in water, aquatic. Okay, so it's finished. Aquatic animals. Next is solve the cross puzzle. You have to solve the cross puzzle. Animals living on both land and water. It's called amphibians. So in second number, you have to fill amphibians. A. Amphibian. Next is off land, related to land, terrestrial. Next is natural environment of living thing. Sixth, habitat. Ninth, animal that eat flesh of other animal, carnivores. Number one, to hide for some time and show less activity, hibernation. Number one, hibernation. Hibernate. Parasite suck food from their body, host. HOST. Okay. Next is mosquitoes and leeches are grouped in this category. Parasites. Fourth, PARACITE, parasite. Seventh, animals that spend most of time in sky, aerial. Seventh, ARIEAL, aerial. Eighth, animal that spend most of time on trees, arboreal, arboreal animals. And is an extinct animal, dinosaur. Tenth is dodo. Tenth is dodo. Okay, this is finished. So with this, your fourth chapter is completed. If you have any doubt, you can write in the comment and ask me. And don't forget to like, subscribe and share the video. And thank you for watching this video, guys.